दो बातें समझिएगा, अगर आप दूसरों की बात कर रहे हैं कि आपके उठने से, आपके बोध से दूसरों को तकलीफ होगी, तो दो बातें समझिएगा। पहली ये कि ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ अभी नहीं है। हाँ, आप अगर जागृत हालत में उनके सामने आएंगे तो आपको देख के उनको स्पष्ट हो जाएगा कि वो कितनी तकलीफ में जी रहे हैं। लोग अक्सर आते हैं मेरे पास और इस तरह की बात करते हैं कि देखिए आपने हमें जो बातें बताई वो कीमती है, हमें तो समझ में आ गई, पर आपकी बातों की वजह से हमारे घर वालों को बड़ी तकलीफ है। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर वालों को तकलीफ कब नहीं थी, हाँ अब तुम्हें देख करके उन्हें दिख रहा है कि वो सदा तकलीफ में थे। अच्छा है उनके लिए, जान जाएं कि वो कितनी तकलीफ में सदा से ही जीते रहे हैं, क्योंकि अगर जान जाएंगे अपनी तकलीफ को तो तकलीफ से मुक्त भी हो जाएंगे। दूसरी बात, वो जो तकलीफ उनकी है जो अब उनके अनुभव में आ रही है, आप उसके कारण नहीं है। किसी का चेहरा कुरूप हो, वो आईने में देखे और रोने लगे, तो क्या दोष आईने का है? आप थोड़े ही कारण हैं, आपने तो बस दिखा दिया कि उनका जीवन कैसा है। आप अपने ऊपर ग्लानि क्यों लेते हैं, आप अपने ऊपर दोष क्यों लेते हैं? आप हाथ जोड़ के माफी मांगे, आप कहें मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें दुख है, लेकिन इतना मैं और कहूंगा कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो, मैं नहीं हूं। इसीलिए तुम्हारे दुख के कारण मैं बोझ में नहीं जीऊंगा, मैं अपने ऊपर दोष भाव नहीं लूंगा। तुम्हें यह दुख मैंने नहीं दिया है, ये दुख तुम्हारा अपना है, स्वयं तुमने निर्मित किया है, स्वयं तुमने अर्जित किया है। मैं तो बल्कि तुम्हारे दुख के उन्मूलन का कारण बन रहा हूं। बीमारी जब उघेड़ दी जाती है उस दिन इलाज शुरू हो जाता है। जिस दिन तक आपका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ उस दिन तक उपचार शुरू हो सकता है क्या? लेकिन याद रखिएगा कि आपको कैंसर है, हो सकता है आपको तकलीफ ना हो रही हो, जिस दिन डायग्नोसिस सामने आता है उस दिन आप डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं। आपको यदि कैंसर हो तो हो सकता है अभी आपको कोई दर्द पीड़ा वगैरह ना शुरू हुई हो, लेकिन जिस दिन पैथोलॉजी से रिपोर्ट आ जाएगी कि आपको है कैंसर, उस दिन आपको घनघोर पीड़ा शुरू हो जाएगी। क्या पैथोलॉजी की रिपोर्ट ने आपको दर्द दिया है? अपने दर्द का कारण वो स्वयं है, आप तो मदद कर रहे हैं, और आप इस निश्चय भाव में जिए कि मैं तो मदद कर रहा हूं। दुनिया, परिवार, समाज चीख चीख कर आप पे लांछन लगाएगा कि तुमने हमें कष्ट दिया, वो ये भी कहेगा तुम स्वार्थी हो, तुम जैसी जिंदगी जीना चाहते हो उस जिंदगी के कारण तुम हमें नरक में ढकेल रहे हो। आप हाथ जोड़ के कहिएगा ये बात झूठ है, मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं बल्कि प्रेमवश तुम्हारे पास खड़ा हूं। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे प्रेम को भी हिंसा और क्रूरता समझ रहे हो। और इतना और कह देता हूं कि तुम मुझ पर कितने भी इल्जाम लगाओ, तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला मैं, न बदलूंगा न छोड़ूंगा। ये एक सीख देता हूं उन सबको जो लोग परिवारों में हैं, ना तो तुम बदलो ना परिवार को छोड़ दो, तुम अडिग खड़े रहो अपने केंद्र पर, अडिग। छोड़ना हो तो परिवार वाले छोड़ें, उनसे कहो तुम छोड़ते हो तो छोड़ के भाग जाओ, हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे हम हैं, पहली शर्त। और दूसरी बात, हमारा तुम्हें छोड़ने कोई इरादा नहीं है, हम तो चिपके रहेंगे, बल्कि तुम छोड़ के भागोगे तो पीछे पीछे आएंगे। न तो समझौता कर लो कि तुम्हारी वजह से हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, तुम तो वही हो जो तुम्हारा स्वभाव है, तुम तो वही हो जो होना तुम्हारी नियति है, और नहीं तुम अपने प्रेम पे समझौता कर लो। तुम कहो कि अब हाथ पकड़ा है तुम्हारा तो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, न भगवान को छोड़ेंगे न तुम्हें छोड़ेंगे, एक तरफ एक हाथ से भगवान को पकड़े रहेंगे और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से सनम तुमको पकड़े रहेंगे। और अगर हम एक हाथ से भगवान को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से जाने मन तुमको पकड़े हुए हैं, तो हम सेतु बन गए, हम पुल बन गए, हम वो जरिया बन गए जिससे अब तुम भगवान तक पहुंचोगे। दोनों में से किसी को मत छोड़िएगा, एक हाथ से भगवान और दूसरे हाथ से परिवार, दोनों में किसी को मत छोड़िएगा।
भगवान को छोड़ दिया और बस परिवार को पकड़े रहे, पूरे तरीके से भौतिक हो गया जीवन, मरे बराबर। और परिवार को, संसार को छोड़ दिया, बस भगवान को पकड़ लिया, तो ये जीना भी कोई जीना है? कोई मजा ही नहीं आएगा, ना आदमी है, ना औरत है, ना बच्चे हैं, रस कहाँ रहा? भगवान से जो मिला है उसका मजा भी तब आता है ना जब वो बटे। जब परिवार को छोड़ ही दिया तो बांटोगे किसमें? तो पकड़े रहो इनको, छोड़ना भर नहीं, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ कस के पकड़े रहो। हाँ, इतना जरूर होगा कि तुम चिर जाओगे, क्योंकि वो इधर को खींच रहा है, वो उधर को खींच रहे हैं। अपना ख्याल रखना, सेहत तगड़ी रखना, क्योंकि ये तो चीरने पे आमादा रहेंगे। इन दोनों के बीच में भी मुक्त रहो। जैसे जिम में होता है ना कि दोनों हाथों से बोझ उठा रहे होते हो, अब बोझ तो यही चाह रहे हैं कि हाथ नीचे को जाए, और तुम क्या कर रहे हो? ऊपर को ला रहे हो। दोनों हाथों में बोझ है, लेकिन फिर भी तुम मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुक्त है। तुम जो भी कर रहे हो स्वेच्छा से कर रहे हो। और तब नहीं पीड़ा होती जब आप नहीं समझ पाते, वो भी पीड़ा है, वो भी पीड़ा है। दोनों पीड़ाओं को एक साथ जाने दो, दोनों का उपचार करो। भगवान को छोड़ोगे बड़ी पीड़ा पाओगे, परिवार को छोड़ोगे तो भी पीड़ा पाओगे, दोनों में किसी को मत छोड़ो। क्या छोड़ना है? जब दोनों मिल सकते हैं एक साथ, तो छोड़ना काहे को है? लालची बनो, भगवान भी चाहिए, इंसान भी चाहिए, शिव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। निराकार तो अनुपम है ही, साकार में भी क्या बुराई है? अमूर्त तो बढ़िया है ही, पर देवी की मूर्ति भी तो कितनी प्यारी है। निराकार ब्रह्म की भी उपासना करो, और मूर्ति पूजा से भी पीछे मत हटो, दोनों सुंदर है। एक तरफ ये, एक तरफ वो, दोनों चलने दो ना, क्या हो रही है।